न्यूज टुडे इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं, मैं फैजान अशरफ, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर में। और ग्वालपोखर का ये किचोकला गांव है और कुछ टेक्निकल वजह से जो न्यूज़ हम आप तक तो पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे नहीं पहुंच पा रहे, उसमें साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। हम दोबारा उस न्यूज़ को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो है किचोकला गांव में पहुंचने का मकसद यह है कि दो दिन पहले इस गांव में एक जमीनी विवाद को लेकर दो ग्रुपों में झड़प होता है और झड़प के दौरान जो है कई लोग जख्मी हो जाते हैं, जिसको इलाज के लिए किशनगंज, यहाँ से बिहार, यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी किशनगंज है, बिहार का जिला है, वहाँ पर उसको एडमिट किया जाता है। और उस वक्त जो है डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए इन जख्मी लोगों को है सिलीगुड़ी रेफर कर देते हैं और जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उसी पूरे घटना को जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं किचकला गांव में, और किचकला गांव के ग्रामीण लोग हैं, कुछ सामाजिक लोग हैं, हम उससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नूर भाई। नूर भाई, हम जानना चाहते हैं किस तरीके से आपके गाँव में ये घटना हुआ, क्या क्या मामला था, हमको बताइए। ये मामूली सी जमीन का विवाद है, हाँ जी जी, तो पंचायत के पीछे वो अपनी जमीन इन लोगों का, जिसमें वो जनाली रखने के लिए गया था, तो दूसरा पार्टी जिससे उसका झगड़ा था, मामूली झगड़ा था, वो आया रुकने के लिए, उन्होंने आते ही दंगा शुरू कर दिया। फिर पंचायत के लोग थे, वो लोग झगड़ा मिटा दिया थोड़ी देर के लिए, वो लोग चले गए, ये लोग अपना जनाली रख रहे थे, तो दोबारा वो लोग आके इन लोग पर प्रचार करना शुरू कर दिया। तो वो लोग सीधा घर से दोबारा आया, आके टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तो ये लोग सिर्फ दो आदमी थे, दो भाई में से थे, तो ये लोग उन लोगों से लड़ सका नहीं, पहले ही वार्ड में ये लोग घायल हो चुका है, तो ये लोग इंजर्ड हो चुका है ऑलरेडी, हाँ, जानने के बावजूद भी रोड से उन लोगों के सर पे वार्ड किया गया है। उसका ये हाजी जब्बीर आलम वो कुछ दिन पहले हज करके आया, अभी आते ही वो इस तरह का कांड किया, वो अपने हाथों से वार किया है। वो लोग 5-6 आदमी थे, नाम जानते हैं? जी जी, मोटा मोटी 3-4 आदमी का नाम तो बताई देंगे। कौन कौन है जी? एक इश्तियाक आलम था, एक जुबेर आलम था, और एक बाबुल था, और ये क्या नाम है उस लड़का का, जान लेते हैं, कोई बात नहीं। हाजी इस तरह से 5-6 आदमी। तो ये नूर भाई, ये जानना चाहते हैं कि ये जमीनी विवाद कितने सालों से चल रहा है? ये लगभग, ये तो पुराना झगड़ा है, इन लोगों के बाप दादा का उतनी ही जमीन बचा हुआ था वहाँ, तो पहले उन लोगों के कब्जा में था। ये लोग जानता नहीं था, गरीब आदमी था, खेत मजदूरी करके खाता था इसका बाप, और वो लोग जवान होने से पहले ही परदेश निकल गया, अब जो कमा कर जाके घर आया तो जानकारी मिला कि उन लोग की जगह है वहाँ, तो कुछ दिन पंचायत वाला उससे झगड़ा उगड़ा करके तो निपट गया, जमीन उसको मिल गया, मैंने एक इंसाफ जो हुआ था पंचायत जी जी जी, तो जमीन इन लोगों को मिल गया ऑलरेडी, उनके हिसाब से जमीन सोल्यूशन भी हो गया कि जमीन जी 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 जी। अब उन लोगों का कहना है हम जबरदस्ती जमीन को लेंगे, क्योंकि हमारे अंडर ग्राउंड के अंडर पड़ता है, वो एक अपना एरिया बना लिया है, हाँ पैसा वाला पार्टी है, तो इस जमीन को भी वो लोग जबरदस्त हड़प करना चाहते हैं, तो अपने ही जमीन में इसको जाना रखने नहीं देगा। तो अच्छा, ये जो निजाम की जो डेथ हुई, ये तो हॉस्पिटल में? जी जी जी। तो अभी इनकी बॉडी कहाँ पे है? अभी सिलीगुड़ी में है उसका बॉडी, कौन सा मेडिकल में है, हाँ अच्छा। लेकिन किशनगंज से उसको रिफाइड किया गया था, दो दिन डॉक्टर वेट किया, इसके तरफ से कोई खर्चा पानी भी नहीं किया, क्योंकि नहायत ही गरीब आदमी है। निजाम क्या शादीशुदा था? जी शादीशुदा जी जी, उसके छोटे छोटे 3 लड़की है, अभी एक लड़का पैदा होने का 15 दिन हुआ, ओनली 15 दिन, 15 दिन पहले एक बच्ची भी पैदा हुई, लड़का लड़का पैदा हुआ। अच्छा अच्छा, चलिए। तो अभी उनके बॉडी को तो लाया जाएगा? जी लाया जाएगा। पुलिस प्रशासन आए थे? जी नहीं, पुलिस प्रशासन यहाँ अभी आया, अभी हाँ इससे पहले। तो अच्छा, क्या लगता है, ये आप भी इसी गांव के हैं? जी हाँ। कुछ तो इस जमीन के बारे में आप जानते हैं? हाँ जी जानते हैं, थोड़ा सा बताइए। बस यही हकीकत है कि जमीन वो अपने जमीन में गया था। अच्छा, ये निजाम लोग जो थे जी, अपने जमीन में। चलिए, ये हमारे साथ नूर भाई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इसी गांव के रहने वाले हैं। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से दो ग्रुपों में झगड़ा होता है, जो ओरिजिनल जमीन का मालिक है अकॉर्डिंग ऑफ नूर भाई, उनके मुताबिक बावजूद उसके वो जमीन पर जब दखल करने जाता है उसके साथ मारपीट होती है और उस दौरान में कई लोग आहत होते हैं, जख्मी होते हैं, हॉस्पिटल ले आया जाता है और आज सुबह एक की डेथ हो जाती है। और जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है उसका नाम मोहम्मद निजाम है, उनके 3 बच्चे हैं, बीवी है। हम आपको तस्वीरें दूर से ही दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए, ये उनकी ये उनकी जो आप देख रहे हैं, इनका इनकी वाइफ है, और 15 दिन ये 15 दिन पहले ही उसके घर में एक बच्ची पैदा होती है, उनकी माँ है,
आप देख सकते हैं ये उनकी माँ है, हम उनकी भाभी से भी बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? बता दो मैं क्यों हुई घटना थी खुआ पापा घटना की प्रथम हम लोग ने घर दुआ चाची हां घर दुआ चाची ना तो प्रधान ना खुले की तो तुम्हारा जालन लड़ाई लो अपना जालन लड़ाई लो तो अपना जगत दो ठीक छे हमरा कोनो खराब धारणा अपना जगत दो मोल ले खराब या ने बोल ले एकटा बोल ले बढ़ाई एकटा बोल ले बढ़ाई इति मजे बाबू लो से जमी दे बाबू लो चोर से बढ़िया कोई कोई खान लो लगे कानी लो राम कोचे इन तोर बापे नाय मोर बापे কচে উত্তর বাপে না মোর বাপে কচে মোর বাপে নু নসাতে কেস লোক নি মোর নামে রেকর্ড ছে পাটটা আছে মোর নামে ছে তোর তো নিচে আর তোর বাপে বাপের একটা বাড়ি ঠুকে বাপের একটা বাড়ি ঠুকে দিলে তোদের কই বাপ নি হনা ঘিস মাসে মোর ছোট কো মালে হবে ঘিস মাসে কই বাপ নি লাস্ট তো সে ওনে পর্দান না লিম্বরটা বুঝাই দিল মানে গে লাস্ট তো সে দোবার আছে এই জেবির সানি হাজিরা জেবির হাজিরা মুস্তাক আছে দোবারা লাগালি না মাই লানা সাই মোর ডিয়ারটা ধরো ছি মোর ডিয়ারটা ধরো ছি घूम डर भागिले अच्छा ती वाला भाभी हो और भाभी हो बड़ा हां बड़ा आदमी की जख्मी है की लड़की है मोर आई बासर बारी लगी है नहीं जख्मी जख्मी है जख्मी मन ना मुझे लड़की रुकिया तो देखिए ये पूरे परिवार के लोग हैं ये उसका माँ उसका मातम में है ऑटोमेटिक इसका जो निजाम का जो घर है वो हमारे दाएं तरफ है। अब आपको दिखा सकते हैं ये मिट्टी का घर है और ये मिट्टी के घर में रहते थे, टीना का घर है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं निजाम, उनका ये घर है और पूरे और जो जानकारी हमें मिली है उस आधार पर हम बताना चाहेंगे जो निजाम जो व्यक्ति था वो टोटो चालक था, टोटो चलाता था और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। कहा ये भी जा रहा है कि वो उसकी जो रोजमर्रा की जो कमाई थी वो इसी पर, रोजमर्रा की जो जिंदगी थी वो इसी पर चलती थी, इस टोटो पे इनकम होता था, वो अपने बच्चों के खाने पीने को लाता था, उनके 3 बच्चे हैं। लेकिन इस पूरे घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है, अफसोस का माहौल है, पूरे लोग सदमे में है और पूरे प्रशासन भी इस वक्त इस जगह पे पहुंची है और पूरे पुलिस प्रशासन यहाँ आई है। पुलिस प्रशासन का क्या वर्जन रहेगा हम वो भी जाना आपको बताने की कोशिश करेंगे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, यहाँ के जो प्रधान हैं, यहाँ के मेंबर हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है, वो भी हम आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से मैं फैजान अशरफ, न्यूज़ टुडे।